जोधा बेगम। शहंशाह आप सोए नहीं अब तक? बहुत लंबी दूरी की यात्रा करके आए हैं, सुना है मार्ग में भी आपने कहीं विश्राम नहीं किया, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। नहीं राजा साहब, जब तक हम जोधा बेगम से माफी नहीं मांग लेते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो यहाँ आमेर में होंगे, लेकिन पूरा दिन बीत चुका है, वो अभी तक आए नहीं। हमने आमेर की सारी शक्ति लगा दी है उन्हें ढूंढने के लिए, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। संभवतः आप बहुत तीव्रता से दौड़ने वाले घोड़ों पर आए, इसलिए जल्दी आ गए। हो सकता है कि जोधा मार्ग में ही हो, हमें सुबह होने तक उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं राजा साहब, अगर वो रास्ते में होते तो हमें जरूर दिखाई देती। डर लग रहा है कि कहीं अगर वो हमें लौटे ही ना, वो अकेली है, हमें उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हम अभी उन्हें कुछ नहीं निकलेंगे। शहंशाह, हमने सैनिक भेज दिए हैं और वो शीघ्र जोधा को ढूंढ निकालेंगे। और रहा सवाल उनकी सुरक्षा का, तो जोधा स्वयं अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है, आप उनकी चिंता न करें। चिंतित तो हम भी बहुत हैं, न जाने हमारी बेटी किस स्थिति में होगी। अम्बे मां, रक्षा करें। मैं माफ कर दीजिए राजा साहब, हम आपके गुनहगार हैं, हम आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए। ऐसा बिल्कुल मत कहिए शहंशाह, हम जानते हैं कि आप उसकी कितनी चिंता करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं उसका। आप जोधा का कभी बुरा नहीं कर सकते। किनम से बुरा हुआ है राजा साहब, हमने उनका बुरा किया है। शहंशाह, पति पत्नी के बीच कभी ऐसी बातें हो जाया करती हैं, जो प्रेम और जो पीड़ा हम आपकी आंखों में देख रहे हैं वो संबंध टूटने नहीं दे सकती, बल्कि वो संबंध को और दृढ़ कर देती है। आप आश्वस्त रहें, जोधा आपके पास शीघ्र आ जाएगी। हमसे सुबह तक का इंतजार करेंगे राजा साहब, उसके बाद हमसे इंतजार नहीं होगा। अगर हमने सच्चे मन से तेरी इबादत की है तो हमारी जोधा बेगम को महफूज रखना।